हाय गाइस, आज है ना मैं आप लोगों से अपना सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। वैसे मैं ये बता दूं, ये जिस पे कवर लगा हुआ है ये मेरी यूनिट है, इसमें मेरी प्राइमरी सिम है। मतलब लास्ट आईफोन 6 से लेकर और आईफोन 15 प्रो मैक्स तक मैंने ऑलमोस्ट सारे आईफोन्स यूज करे थे और हमेशा से प्राइमरी फोन मेरा आईफोन रहा था। इस साल मेरे को जो है S24 अल्ट्रा को यूज करने के बाद फील हुआ कि यार हाँ, अब है ना सैमसंग उस स्टेज पे आ गया है कि मुझको जो है शिफ्ट कर जाना चाहिए और अब मेरा प्राइमरी फोन S24 अल्ट्रा है। और मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है यार सैमसंग को मेरी तरफ से। मतलब आप खुद सोचो, मैंने iOS या मैं बोलूँ एप्पल का इकोसिस्टम छोड़ा है, तो वो किसी लिए? वैसे तो मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्पॉइलर दे देता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि जो AI इस साल आई है उसने मुझे कहीं ना तो कहीं फोर्स करा है ऐसे शिफ्ट करने के लिए। वैसे एक और चीज़, ये वाली जो यूनिट है ये मेरे टीम मेंबर पार्थ की है, तो पार्थ की भी कुछ एक्सपीरियंसेस है इस फोन के साथ जो मैं वो भी शेयर करूंगा और ऑब्वियसली अपना एक्सपीरियंस तो मैं शेयर करूंगा ही। क्या स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचय, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अच्छा, डिजाइन के बारे में बात करूं ना तो बहुत सारे इंसिडेंट्स है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि मैंने देखा है अब जो पब्लिक रिएक्शन है ना इस फोन को लेके वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव और अट्रैक्टिव हो गया है। और ये बात पता है मैंने क्यों बोली? रिसेंटली मैं एक ब्रीफिंग में गया था, नथिंग एक नया फोन लॉन्च करने वाला है और जस्ट मेरा फोन ऐसे टेबल पे उल्टा रखा हुआ था। नथिंग की पूरी टीम ने पूछा है कि भाई फोन नो डाउट अच्छा है और कैसा चल रहा है, तो मतलब इतना तो क्लियर हो गया है कि हाइप बनती जा रही है अब इन फोन्स की। सेकंड चीज, अगर मेरा कोई प्राइमरी फोन होता है ना मैं उनके कवर बहुत बदलता हूँ, ये मतलब मेरी पर्सनल चॉइस है और थोड़ी सी दिक्कत हो रही है अभी मुझे कवर्स ढूंढने में। जैसे अभी सिर्फ मैट फिनिश या फिर क्लियर सिलिकन वाले जो होते हैं, जैसे कि आप किसी शॉप में जाते हो कवर वाली में, सिर्फ यही अवेलेबल है। अभी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कवर इतने अवेलेबल नहीं है, मुझे पर्सनली फील हुआ। सेम टाइम पे पार्थ को मैंने बोला था कि यार विदाउट केस यूज करना है जिससे हमें थोड़ा बहुत ड्यूरेबिलिटी का आइडिया लग जाए, तो वो पिछले 30 दिन से विदाउट केस यूज कर रहा है। इनफैक्ट वो तो भोपाल भी लेकर गया था इसको, ट्रेवलिंग भी हुई है इस फोन के साथ। सिर्फ 2 माइनर स्क्रैचेस देखने को मिले हैं जो कि बहुत अगर जूम करके देखो तभी दिखते हैं। इनफैक्ट इस वाली यूनिट पे तो हमने स्क्रीन गार्ड भी नहीं लगवाया और यहाँ पर भी जो है माइनर स्क्रैचेस है, एज सच कुछ भी मेजर नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अगर आप एक ऐसे यूजर हो जो विदाउट केस यूज करना चाहता है विदाउट स्क्रीन गार्ड, कर तो सकते हो। अच्छा, एक चीज मुझे एकदम से याद आई, मैंने बताया था ना अभी जस्ट कि कवर ढूंढने में मुझे दिक्कत हो रही थी अपने फोन के लिए, तो 2 दिन मैंने बिना कवर के यूज किया था फोन और ये फोन बुरी तरीके से गिर गया था। मतलब इतना तेज गिरा था कि एस पेन बहुत दूर जाके गिरा था इसका अपने आप ही, अब उसी से अंदाजा लगा लो। और मेरे वाली यूनिट पे एक छोटा सा डेंट तो आ रखा है, बट यार मुझे लगा था स्क्रीन वगैरह टूट जाएगी बट नहीं टूटी, ये भी मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। एक और चीज जो मेरे एक्सपीरियंस में आई है S24 अल्ट्रा के साथ वो इसका डिजाइन लैंग्वेज थी। देखो बहुत शार्प कॉर्नर्स है, 15 दिन लग गए मुझको थोड़ा यूज टू होने में, और क्योंकि मैं आया भी आईफोन 15 प्रो मैक्स से शिफ्ट हो रहा था, उसके तो राउंडेड कॉर्नर्स है, देखो टाइम तो लगा मुझे शिफ्ट होने में। अच्छा, एक चीज है डिजाइन में जो मेरे को बेस्ट लगी इस फोन में और वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड भी होगा आपके लिए, वो है फिंगरप्रिंट स्कैनर। मैंने इतने एंड्रॉइड फोन यूज करे हैं, सब ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज करते हैं और हाथों में थोड़ी बहुत भी स्वेट होती है, नहीं होता ओपन भाई वो फिंगरप्रिंट, बट इस S24 अल्ट्रा का फिंगरप्रिंट स्कैनर मैंने फेल होते हुए अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, ये मुझे सीरियसली बेस्ट पार्ट लगा है। एक और बात, मुझे ऐसा लगता है कि जो S24 अल्ट्रा ना जो एस पेन के साथ आता है इस साल इसकी सबसे ज्यादा सेंस बनती है। और ये बात पता है मैंने क्यों बोली? क्योंकि सैमसंग ने इस साल जनरेटिव AI दी है ना, तो अगर फोटो एडिटिंग कर रहे और कुछ भी पिन पॉइंट यहाँ पर मार्क करना है तो बहुत हेल्प करता है एस पेन। और मेरे केस में मेरे को एस पेन एक जगह पे बहुत काम आया, मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रहा था और बहुत छोटा टेक्स्ट था, मैंने एस पेन निकाला, जस्ट उसको अलाइन कर दिया एक स्पेसिफिक जगह पे, बहुत आसानी रही। लाइक फिंगर से थोड़ी परेशानी तो होती है छोटे टेक्स्ट में। जैसे कि मैंने बताया था पार्थ भोपाल गया था एक वेडिंग में, तो उसने तो भाई सेल्फी भी एस पेन से ली है, तो ये छोटे छोटे यूज केसेस है जो एस पेन बहुत सेंस बनाने लगता है। और इसी से रिलेटेड अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो भाई भोपाल में जब पार्थ ने जो है 5G यूज करा है उसको कोई दिक्कत नहीं, ना ही कॉल वगैरह में प्रॉब्लम हुई। और मैंने पर्सनली न्यू दिल्ली में जियो यूज किया है, मुझे भी अभी तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। और अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, देखो ये जो S24 अल्ट्रा है ना ये एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन के साथ आते हैं, और ना ये सेम चीज पार्थ मुझे बता रहा था कि वो जब मेट्रो में ट्रेवल करता है ना तो एक एरिया आता है जब भी वो कोई कॉन्टेंट देख रहा होता है डायरेक्ट सनलाइट फोन पे पड़ती है और उसको देख थोड़ा टिल्ट करना पड़ता है अपना फोन जिससे वो रिफ्लेक्शन कम हो जाए और वो कंटेंट देख पाए। एंड गेस व्हाट, पार्थ ने बताया कि इस फोन में रिफ्लेक्शंस बहुत कट हो जाती है और उसको मेट्रो में सच परेशानी नहीं होती डायरेक्ट सनलाइट में। बट इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, अगर आपने मेरी तरह एक नॉर्मल स्क्रीन गार्ड लगवा लिया अपने फोन पे तो ये कोटिंग वर्क करना ही बंद हो जाती है। मतलब ये जो एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन है
एक तरीके से जो है नॉर्मल की तरह परफॉर्म करती है, कोई रिफ्लेक्शंस कट नहीं होती। अब मजे की बात यह है कि ये जो स्क्रीन गार्ड वाली प्रॉब्लम है ये इजीली सॉल्व की जा सकती है। मतलब सैमसंग के स्टोर पे एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाला स्क्रीन गार्ड अवेलेबल है जो कि 2500 रुपए का है। अब टेस्टिंग के लिए मैंने खरीद लिया था भाई। अब मैंने जो है लाइक ऑनलाइन ऑर्डर करा था, मेरे ऑफिस में आया और उसके साथ दो मिलते हैं वो जो स्क्रीन गार्ड होते हैं, पर मैंने दोनों खराब कर दिए भाई, दोनों में मुझसे बबल आ गए। अगर आपका मन बने कि भाई 2500 का स्क्रीन गार्ड खरीदना है तो एटलीस्ट खुद तो अप्लाई मत करना। बट हाँ, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा मैंने लगा तो लिया था, बट नो डाउट वो वर्क करता है। बट 2500 रुपए वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक और बात जो मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट करूंगा डिस्प्ले के बारे में वो है इसकी 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस। यार कमाल का परफॉर्म करती है, नो डाउट। डायरेक्ट सनलाइट में फोन को यूज करो, फैंटास्टिक एक्सपीरियंस है। इंडोर यूज करो तब भी फैंटास्टिक एक्सपीरियंस है। बट एक छोटी सी बात याद आई ऑटो ब्राइटनेस से रिलेटेड। 3-4 बार मैंने चीज नोटिस करी है कि अगर डायरेक्ट सनलाइट में फुल ब्राइटनेस में फोन यूज कर रहा हूं तो लाइक एक झटके से ब्राइटनेस अप एंड डाउन होती है, और ये चीज जैसे कि आप देख रहे हो मैंने रिकॉर्ड की थी। बाकी यार अगर आप कंटेंट बहुत ज्यादा देखते हो, जैसे कि मैंने रिसेंटली बर्लिन देखा, वैसे आप भी देख सकते हो, बहुत अच्छी सीरीज है, बट नो डाउट इस फोन में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कंटेंट देखने का, मुझे वहां कोई शिकायत नहीं है। अगर मुझे शिकायत निकालनी हो तो बस ये बोलूंगा कि डॉल विजन का सपोर्ट होना चाहिए था, बट यार ठीक है। मतलब एक और बात जो इंस्टेंटली आप नोटिस करोगे S24 Ultra को यूज करने के बाद कि भाई टच इतना ज्यादा इंप्रूव फील होता है ना। मतलब मैंने तो S23 Ultra भी यूज करा हुआ है, कुछ तो किया है सैमसंग ने भाई। मेरे को जिस वेरी फर्स्ट डे से फील हो रहा था कि टच बहुत अमेजिंग है, फिर एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें बताया कि सैमसंग ने टच इंप्रूव किया है, बहुत ज्यादा अच्छा काम कर दिया है। अच्छा, बैटरी से रिलेटेड बहुत सारी बातें मैं करना चाहूंगा, जैसे कि 5000 mAh की जो बैटरी है इस फोन में भाई, वेरी फर्स्ट डे से, बहुत कम फोन होते हैं जो फर्स्ट डे से बहुत अच्छा बैटरी बैकअप दे। मतलब 8 घंटे के अराउंड स्क्रीन ऑन टाइम मुझे वेरी फर्स्ट डे से मिल रहा है, और अगर मैं फोन को लाइक नॉर्मल यूज करता हूं तो 9 घंटे के अराउंड भी स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। फिर से बोलूंगा बहुत अच्छा बैटरी बैकअप है, और ये मेरे को बैटरी बैकअप तब मिला जब मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन नहीं रख रखी थी, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जब तक ऑफ है तो आइडल ड्रेन भी बहुत कम रहता है, लाइक 2% का पूरी रात में। बट पता है मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इतना स्पेसिफिकली हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि बैटरी ड्रेन इशू आ रहे थे। मतलब स्टार्टिंग में ऐसा हुआ है कि अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन करते हो तो भाई बैटरी बहुत जल्दी खर्च हो रही है। अपडेट के बाद ये चीज फिक्स कर दी है, जो कि अच्छी चीज है। बाकी फोन 45 वॉट पे चार्ज होता है यार, लाइक ठीक ही नंबर लगता है, बट बैटरी डिपार्टमेंट से अब मैं खुश हूं भाई। देखो ये फोन ना लिटरली सारे डिपार्टमेंट में अच्छा वर्क कर रहा है, बट एक डिपार्टमेंट जिसको मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा बताना चाहूंगा वो है सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट। देखो जो सैमसंग के प्रोमिसेस भी है ना, 7 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट, बहुत बड़ी बात है भाई ये चीज मिल रही है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आईफोन यूजर रहा हूं, और इसके पीछे रीजन भी ये रहा है कि आईफोन जिस तरीके की स्टेबिलिटी देता है, और जितनी मैं बैंकिंग एप्स यूज करता हूं जो रिलायबिलिटी मिलती है मुझे, वो अभी तक iOS पे ही मिल रही थी। जब से मैंने S24 Ultra यूज किया है ना, इतना ज्यादा स्टेबल एक्सपीरियंस है, मतलब मैं सीरियसली इसको iPhone से अब कंपेयर कर सकता हूँ। जो सैमसंग ने One UI 6.1 बनाई है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस पे कुछ ज्यादा ही वर्क किया गया है, और मैं इतनी तारीफ नहीं करता यूजुअली किसी भी UI की। आपने देखा होगा मेरी पुरानी वीडियोस पे, यार इतने दिनों से इस फोन पे मैं ढूंढ रहा हूँ कोई बग्स मिल जाए जो मैं रिकॉर्ड करके आप लोग को दिखा सकूं, बट इस फोन में बग्स ही नहीं मिले। और जो AI फीचर्स आए ना इस फोन ने, इन चीजों ने मेरे को बहुत फोर्स किया है कि मैं इस अल्ट्रा पे शिफ्ट हो जाता हूं। एंड बिलीव मी, मतलब मुझे लगा भी नहीं था कि मैं इतना ज्यादा AI यूज करूंगा, बट इसकी कीबोर्ड में वो जो चैट असिस्ट नाम का फीचर है ना, जो कि स्पेलिंग और ग्रामर ठीक कर देता है। देखो आपको बताया भाई, मैं अगर कोई ट्वीट डालूं, मैं अगर कम्युनिटी पोस्ट भी डालूं यूट्यूब पे, या कहीं पे भी कुछ लिखने जाऊं, चाहे फिर वो ईमेल ही क्यों ना हो, ऑब्वियसली उसको ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं। अगर वो करेक्ट लिखा गया वो मेरे फायदे की चीज है, पर एक टैप से ये ग्रामर और स्पेलिंग सब चेक कर लेता है। मुझे बस एक टैप करना होता है और सब कुछ फिक्स हो जाता है। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि मैं जो भी लिखने जा रहा हूँ वो ठीक ही है। मुझे लगा नहीं था कि ये फीचर मेरे को इतना ज्यादा हेल्पफुल लगेगा। और फन पार्ट पता क्या है, जब से मेरे दोस्तों को पता लगा है ना कि ऐसे AI ये कीबोर्ड में जो ग्रामर वगैरह ठीक कर देती है, अब वो मुझे मैसेज भेजते हैं कि इसको जो है थोड़ा ठीक करके दे दे, और मैं लिटरली ये चीज करता हूँ। बाकी पार्थ का भी एक्सपीरियंस AI से रिलेटेड, अभी जैसे कि मैंने बताया रिसेंटली वो गया था वेडिंग में, तो उसमें तो भाई बहुत ऐसे सीन आते हैं कि जनरेटिव फिल की नीड पड़ती है, फिर पूरे बंदे गायब करने की नीड पड़ती है, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। और एक फनी चीज भी बताता हूँ, कॉल असिस्ट नाम का फीचर आया है कि अगर कोई आपको कॉल कर रहा है तो लाइव कॉल ट्रांसलेट हो जाती है। अगर कोई जर्मन में बोल रहा है हिंदी में हो जाएगा ट्रांसलेट, ये तो इसका काम है ही। बट असिस्टेंट से आप बात भी करवा सकते हो कि भाई किसने कॉल किया है, और जितने भी कॉल सेंटर वालों ने मुझे इन दिनों में फोन किया है ना, मैं सीधा कॉल से बात कराता था, सब फोन काट देते थे और फिर दोबारा भी नहीं करते। देखो क्लियर वर्ड्स में बताऊं, 30 दिन यूज करने के बाद मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूं, फोन रिलायबल भी बहुत है, स्टेबल भी है, और फीचर्स से लोडेड भी है। ये कॉम्बिनेशन यूजुअली नहीं मिलता,
दिया सैमसंग ने, वर्थ इट लग रहा है। और सीरियसली एक और बात बताऊं, इस फोन को यूज करने के बाद ये भी फील होता है कि भाई परफॉर्मेंस की भी कोई कमी नहीं है। मतलब ये जो लेटेस्ट प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 यार बहुत अच्छा काम कर रहा है। इनफैक्ट इस फोन की रैम मैनेजमेंट एक्सीलेंट मैं बोलूंगा, मतलब सीरियसली सारी एप्स रैम में रहती ही रहती है। बस मेरा एक ही कंसर्न था कि भाई फोन हीट करेगा कि नहीं, मतलब अगर मैं बहुत ज्यादा हैवी टास्क पे रन करूं तो वो कैसा परफॉर्म करने वाला है फोन। 30 डेज मैंने हर एक सिनेरियो में इसको टेस्ट कर लिया है भाई, चाहे फिर वो आउटडोर कंडीशन हो इनडोर हो, मेरे हिसाब से हीटिंग नहीं करता है ये, ज्यादातर सिचुएशन बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है। और एक्सट्रीम कंडीशंस की बात करूं तो कुछ चीजें हैं जो मैं हाईलाइट कर देता हूं। एक गेम है जेंशन इंपैक्ट, और वो जो है मैक्स सेटिंग्स पे मैं खेल रहा था, 30 मिनट से गेम प्ले में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और इस गेम में ना सारे एंड्रॉइड फोन्स हीट कर जाते अच्छा खासा, और ना ही इतनी ज्यादा हीट थी कि भाई अनकंफर्टेबल हो जाए इस फोन को होल्ड करना, और ना ही मुझे लैग्स वगैरह दिखे। तो इन शॉर्ट थर्मल्स यहां से लग रहा था कि भाई सही तरीके से मैनेज करता है। जहां जहां मुझे एक्सपेक्टेड था ना कि फोन हीट करेगा, उस वाली सिचुएशन में इसने सही लेवल पे ही हीटिंग दिखाई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पार जो है मैंने बताया भोपाल में था, और वो 5G ऑन था उसका, और बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में फोटोज वगैरह कैप्चर कर रहा था लगातार, उसी टाइम पे टॉप हाफ फोन का हीट किया था, और वो भी इतना ज्यादा नहीं कि भाई फोन लैग करने लगे, और ना ही ऐसा था कि कुछ क्रैश कर गया। सिमिलरली अगर हम बहुत हेवी कोई गेमिंग करते जैसे कि जेंशन इंपैक्ट, 30 मिनट्स की गेम प्ले में ना ये फोन लैग करता और एज एक्सपेक्टेड ही हीट करता है। इन शॉर्ट अब मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि थर्मल सही तरीके से फोन मैनेज कर लेता है। और अब फाइनली कैमरे के बारे में बात करते हैं। इसका जो कैमरा सेटअप है ना 200+10+12+50 का करिए। देखो पोर्ट्रेट से बात करता हूँ, चाहे फिर वो 3x की बात करूं या फिर 5x की, मुझे ऐसा लगता है कि फोन ना बहुत कमाल तरीके से हैंडल कर जाता है पोर्ट्रेट्स को। और मैं आपको मल्टीपल फोटोज दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था पार्थ वेडिंग पे गया था, तो बहुत वैरायटी ऑफ स्किन टोन्स है, चाहे फिर वो डार्क हो फेयर हो, ये बहुत सही तरीके से हैंडल कर रहा है यार। और आपको याद है लास्ट ईयर S23 अल्ट्रा में 10x वाला लेंस था, हमें लगा था हाँ ठीक है उसको 5x पे क्यों करा, बट मेरे को पता है सेंस लगी इस बात की, क्योंकि 10x पे ना पोर्ट्रेट मोड की फोटोज इतना सेंस नहीं बनाती थी, बहुत पीछे जाना पड़ता था, नहीं तो वो वाइल्ड लाइफ में काम आ रही थी। बट 5x मेरे को लगा यार वेडिंग के टाइम पे जितनी भी मैं फोटोज देख रहा हूँ बहुत सेंस बनाता है 5x। मुझे लगता है बेस्ट टाइम एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हो सकता है आपको इस फोन की फोटोज ना बेस्ट ना लगे पूरे एंड्रॉइड वर्ल्ड में, क्योंकि जो बीबी के ग्रुप है ना, चाहे फिर वो वन प्लस आईको वीवो ये सब हो, ये डिफरेंट गेम खेल रहे हैं। बट जो सैमसंग और आईफोन है ना, वो आज भी मेन कैमरे से ऐसी फोटो खींचते हैं कि पता लगता है कि फोन की फोटो है। इसका मतलब ये नहीं कि बुरी फोटो है, बट अगर ओवरऑल कैमरा सेटअप देखा जाए ना सैमसंग और आईफोन का, वो आज भी वेल बैलेंस्ड या मैं बोलूं वैल्यू फॉर मनी बोला जा सकता है। इस बात को ना इस तरीके समझो, इस फोन में अल्ट्रा वाइड लेंस है, मेन है, फिर दो तो टेलीफोटो ही है, उन सब में एक कंसिस्टेंसी मिलती है और एक कॉन्फिडेंस भी रहता है कि मैंने अगर जेब से फोन निकाला फोटो खींची मुझे पता है कि सैमसंग की ऐसी फोटो आएगी। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, पिछले साल तक सिर्फ सैमसंग ही था जो जूम किंग था, मतलब जो 100x जूम दे रहा था और वो भी बिल्कुल यूजेबल। इस साल हमने बहुत फोन्स देख लिए जो 120x तक जूम भी दे रहे हैं और सारे अच्छा खासा काम कर जाते हैं, तो ये जो जूम किंग वाला टैग था अब इतना रिलेवेंट नहीं रहा। बट सेम टाइम पे मैं फोटोज भी दिखाता हूँ इस फोन से 10x पे 30x पे, ये अच्छा काम करता है। बाकी लो लाइट फोटोज की बात करो ना, तो हमेशा से सैमसंग की आदत रही है कि वो जो है सॉफ्ट करते हैं फोटोज को नाइट मोड के अंदर, और वो इस साल भी मुझे सेम चीज दिख रही है। आई विश यार सैमसंग इस चीज को इम्प्रूव कर दे। और एक बात बताऊं, अगर आपको सेल्फीज खींचने का शौक है, आप बहुत ज्यादा सेल्फीज कैप्चर करते हो, ये फोन एक्सीलेंट है भाई इस चीज के अंदर। मतलब चाहे फिर वो टेक्निकल चीजें होती है जैसे कि HDR या फिर जो डिटेल्स रहती है, जिस तरीके से स्किन टोन कैप्चर करता है, मुझे बहुत पसंद आया। बाकी वीडियो क्वालिटी की बात करो तो बहुत चीजें मैंने एक्सपीरियंस करी है, जैसे कि मुझे लगता है कि लो लाइट में ना स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है इस फोन के अंदर, बट आउटडोर में मुझे लगता है इस साल बहुत अच्छा काम करा इन्होंने। स्टेबलाइजेशन काफी ज्यादा कमाल की रहती है, और कलर्स जो HDR ये हैंडल करता है, चाहे फिर वो अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करूं या फिर मेन की या फिर जूम वगैरह की, मैं एक्चुअली मैं आउटडोर की वीडियो क्वालिटी से तो इंप्रेस हूं अगर एंड्रॉइड वर्ल्ड से कंपेयर करूं। इनफैक्ट फ्रंट से भी जब वीडियो कैप्चर करते हैं मुझे तो वो भी रिजल्ट्स अच्छे लग रहे हैं। क्या कंक्लूजन देने से पहले एक रैंडम चीज मुझे ध्यान आई, ये जो गैलेक्सी AI फीचर्स इस फोन में है ना, ऐसा बताया जाता है 2025 तक ही फ्री रहेंगे। और फोन को जब मैंने यूज किया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी को आदत पड़ गई इन फीचर्स की, मे बी 2025 में आप पे करना चाहो, बट देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहती है। बट फिलहाल S24 अल्ट्रा के लिए ना एक टैग मैं देना चाहूंगा मिस्टर रिलायबल का, क्योंकि ये टैग भी मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जितना रिलायबल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस फोन ने मुझे दिया है ना इतने फीचर्स के साथ भी, बिल्कुल भी मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही रहेगा, जिस प्राइस पे फोन आ रहा है आप 100% खरीद सकते हो, और मैं सबको ये सजेस्ट कर रहा हूं ऑफलाइन मार्केट में जाके भी देख लेना, वहां पर ऑफर ज्यादा मिल जाते हैं, थोड़ा सस्ता मिल जाता है फोन।
हो सके तो देख लेना। बाकी अगर आप ये फोन यूज कर रहे हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शन में लिखो भाई, आप लोग के ओपिनियन में मैं देखना चाहता हूँ। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगली मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।